यशोमती मैया के नंदलाला। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है। अब हम कभी भी किसी के लोभ के जल में ना फंसेंगे। जब मियां आवाज हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है। मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध दही माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है माखन बह रहा देखो कृष्ण लीला देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध दही माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। मैया दादी शीघ्र चलो, जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के भरो है। इसीलिए बड़बोलो कहलाते है तू, फिर कहने लोगों कथा कहानी। मैया अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है। जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी। कौन से कान्हा पे विश्वास करूं मैं, उस सियाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है। क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं।
अस्ति प्राप्ति। मैंने कहा था ना, ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? महाराज, सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या? ये उस विष्णु की माया थी और क्या? हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुलवासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे संघर्ष में ये एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते और तब वो विष्णु अवतार वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, जैसा आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी, मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन भरो है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना, पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है, हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना? बताओ प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण? ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना। आए हो
बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर?